खुशहाल होंगे। और अभी बज रहे हैं सुबह के 10 बजे का टाइम हो रहा है अभी, और ब्रेकफास्ट हमारा हो चुका है कंप्लीट, पूजा हो चुकी है, प्लस मैंने श्रेय को भी नहला दिया है, वो नीचे मैंने उसको भेज दिया कि जाओ नीचे खेलो, जब तक मैं कपड़े वगैरह धुलूंगी, वहाँ पर कपड़े हैं और बाथरूम का दरवाज़ा भी खुला रखा है, तो बस ये बाल्टी में जो कपड़े हैं उसको मुझे वॉश भी करना है और फटाफट से फिर मुझे नहाना भी है क्योंकि हम लोगों को कुछ काम से बाहर जाना है। मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना हेयर कटिंग ही करवा लेती हूँ क्योंकि मेरे बालों को ना बहुत टाइम हो गया जब से मैंने कट नहीं करवाए हैं, आई थिंक 1 साल जितना हो गया है, तो बस मुझे लग रहा है कि मुझे कटिंग करवानी है, तो हेयर कटिंग मैं सोच रही हूँ कुछ डिफरेंट टाइप करवाऊँ। वैसे मैं करवाती हूँ हर बार स्टेप कट विथ लेयर कट, तो अभी तो मुझे रेडी होके बाहर जाना है पापा मम्मी के साथ, उसके बाद वहाँ से आने के बाद फिर मैं जाऊँगी सैलून में और वहाँ पर देखते हैं चूज़ करेंगे मुझ पर कौन सा स्टाइल अच्छा लगता है, क्योंकि हर किसी का फेस अलग होता है, फेस के अकॉर्डिंगली आपके ऊपर कटिंग अच्छी लगती है तो बस वही है। तो कटिंग करवानी है तो मुझे ना अपने हेयर वॉश भी करने होंगे, तो हेयर वॉश कर लेती हूँ, अच्छे से शैम्पू कर लेती हूँ बालों में, और उसके बाद फिर वॉश करने के बाद फिर जाऊँगी मैं अपने सैलून हेयर कटिंग करवाने के लिए। अभी ऊपर ऐसा फैला पड़ा हुआ है तो मुझे ये सबसे पहले सही करना है, उसके बाद मैं बात लूँगी। चलो आप श्रेय जल्दी उठो, आपके बाल गीले हैं, जल्दी फटाफट से कॉम्बिंग कर दें। और यहाँ पे श्रेय को रेडी करने के बाद सारे कपड़े जो बिखरे पड़े हैं उनको मुझे उठाना है क्योंकि आज मैं सुबह बहुत लेट उठी हूँ। आपको पता है जब से मैं मायके आई हूँ मेरा रूटीन पूरा का पूरा चेंज हो गया है, इतना सोती हूँ ना सुबह, मुझे सोना सच में बहुत अच्छा लगता है, मैं जितना भी सोऊँ ना मुझे कम ही पड़ता है। और यहाँ पर मैं शावर वगैरह लेके आ गई हूँ, यहाँ पर मैंने हेयर वॉश किए हैं तो मैं अपने बालों को ड्राई कर रही हूँ टॉवल से, क्योंकि मुझे फटाफट से नीचे जाके लंच भी बनवाने में हेल्प करनी है क्योंकि अमीषा को मन्नत को नहलाना है, ऊपर का घर का ढेर सारा काम है। तो मैं सोच रही हूँ ना कि मैं किचन में थोड़ी सी हेल्प करवा देती हूँ मम्मी की, तो जल्दी हो जाएगा क्योंकि बाहर भी निकलना है, कुछ काम से जाना है, पापा बोल रहे थे। जल्दी से यहाँ पे मैं नीचे आके रोटियाँ बना रही हूँ, और यहाँ पे देखो पापा के साथ दोनों बच्चे खेल रहे हैं, पीछे आप लोगों को दिख रहा होगा। तो मैंने ना श्रेय को होमवर्क दिया था, मैंने कहा जब तक मैं लंच बना रही हूँ रोटियाँ बना रही हूँ जब तक आप अपना होमवर्क फिनिश कर लो, तो बस वो अपना होमवर्क फिनिश करने में लगा है, मम्मी पीछे कपड़े धो रही है और अमीषा ऊपर की जो रूम है उसकी जो है साफ़ सफाई कर रही है। तो मैंने कहा चलो मैं फटाफट से लंच बना देती हूँ। और सब्ज़ी में मैं आपको बताऊँ आज सब्ज़ी नहीं बनी है, आज हमारे घर दाल ही बनी थी क्योंकि सभी लोगों की इच्छा थी कि दाल रोटी ही खाना है, या तो फिर दाल चावल या तो फिर खिचड़ी, तो बस मम्मी ने दाल फ्राई ऑलरेडी कर दी थी, बस मैंने रोटियां बना दी हैं, तो रोटियां बन करके हो गई हैं तैयार। यहीं पर एक बात मुझे आपसे शेयर करनी थी, मुझे ना एक कमेंट आया था कि मैम आप बहुत अच्छा स्पीक करते हो, बहुत अच्छी आपकी वॉइस है, काफ़ी अच्छे से बोलते हो, बिल्कुल टीचर जैसी, जैसे टीचर एक लेक्चर देती हैं वैसे। सो थैंक यू सो मच, आपने मुझे टीचर के होदे पे रखा, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर योर कमेंट। बज रहे हैं दोपहर के 12:30 और मैंने बालों को अपने ऐसे खुला कर लिया, मैं चारपाई पे लेटी हूँ और यहाँ पे ये दोनों देखो ये दोनों लोग मस्ती करेंगे। और मैंने अभी हेयर वॉश किए थे ना तो मुझे इनको अच्छे से ड्राई करना है, लंच वगैरह करके ऊपर आ चुकी हूँ, तो बस मैं अपने बालों को ऐसे खुला छोड़ दूंगी ताकि अच्छे से ड्राई हो जाए। आज इस काम से मुझे बाहर भी जाना था तो वहाँ भी नहीं जा पाई क्योंकि वहाँ पर काम बना ही नहीं, तो देखते हैं अभी शाम को जाएंगे या फिर अभी दोपहर को जब वहाँ से फ़ोन आएगा तभी जाएंगे। और सैलून में भी मैं सोच रही हूँ शाम को ही जाऊँ क्योंकि मैं सोच रही हूँ आज ही कट करवा लूँ, आज हेयर वॉश किए हैं, वरना फिर हेयर वॉश नहीं करो तो फिर वहाँ पर वो वॉश करती हैं, लेकिन वहाँ पर वॉश करना मुझे पसंद नहीं आता, तो मैं ना यहीं पर घर पर ही वॉश करके जाती हूँ। तो थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मिलती हूँ, ये दोनों को भी सुलाती हूँ। चलो सो जाओ आप दोनों, मनो सो जाओ, चलो हाँ आप सो जाओ।
होने जा रहे हैं शाम के 5। मंडा उठ चुकी है और श्रेय नीचे खेल रहा है। मैं यहाँ पर हो चुकी हूँ रेडी और मैंने सिंपल सा ड्राई हेयर कॉम्बिंग करके एक बनाना पिन लगा लिया, पीछे आप देख सकते हो मिरर में। तो चलो चलते हैं फटाफट से, क्योंकि जैसे ही शाम और होगी और भीड़ होगी और ज़्यादा लोग आएंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। मैं सोच रही हूँ जल्दी से आ जाऊँ, तो बस चलते हैं हेयर कटिंग के लिए। बाहर बहुत धूप है इसलिए मैंने ये दुपट्टा भी लिया है। तो सैलून में पहुंचते पहुंचते बज गए थे शाम के 5 और यहाँ पर ना मैं हेयर वॉश करके ही आई थी, लेकिन फिर भी दीदी ने बोला कि लाओ मैं हेयर वॉश कर ही देती हूँ, क्योंकि हम लोग जब हेयर वॉश करते हैं तभी हम हेयर कटिंग करते हैं, मतलब जब तक कि वो सेटिस्फाइड ना हो जाए तो इनका ये प्रोसेस रहता ही है। तो बस मैं हेयर वॉश कर रही हूँ और वो पूछ रही थी अब तुम्हारा कैमरा ऑन हो गया है, मैंने कहा हाँ कैमरा ऑन हो गया है। और फिर काफ़ी सारे कस्टमर भी थे, वो पूछ रहे थे कि आपका कोई व्लॉग है या आप किस लिए वीडियो किस पर्पज़ से बना रहे हो। फिर मैंने कहा हाँ मैं ब्लॉगर हूँ एक, तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर, सब लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया। तो यहाँ पर मेरे हेयर वॉश हो चुके हैं कंप्लीट और उन्होंने टॉवल रैप कर दिया है। अब थोड़े से हल्के से टॉवल ड्राई ही करेंगे बालों को, लेकिन गीले रहेंगे, बस बालों से पानी नहीं गिरेगा, इतने हद तक वो ड्राई करते हैं, उसके बाद फिर वो मेरी हेयर कटिंग करते हैं। और मैंने ना यहाँ जाके डिसाइड किया, मैंने कहा दीदी आप बताओ मेरे फेस पे कौन सी हेयर कटिंग अच्छी लगेगी, तो फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं आप बैठ जाओ मैं कटिंग करती हूँ। तो फिर उन्होंने कट किए बाहर, मैंने कहा बहुत ज़्यादा बालों को कट मत कीजिएगा, मेरे बालों की लेंथ रहने ही दीजिएगा। काफ़ी अच्छी कटिंग करी उन्होंने और साथ ही साथ ना मैंने फ्रिंक्स भी कट करवाए थे आगे से, बस मुझे लगा कि मुझे फ्रिंक्स कट करवाने हैं, बहुत ज़्यादा रफ़ हेयर हो चुके थे मेरे, कटिंग करके काफ़ी अच्छा लगा। तो यहाँ पर मैं कट करवा रही हूँ, सिर्फ लेयर कट और एक ही स्टेप कट लिया है मैंने, बहुत सारे स्टेप नहीं लिए वरना बहुत छोटे छोटे बाल हो जाते, बालों की लेंथ भी कम लगती, फिर पतले बाल हो जाते। तो चलो मैं कटिंग करवा के फिर मैं आपको अपना न्यू लुक दिखाती हूँ। Put our pictures on the shelf. Swore I'm over you. Oh well, it's not that easy. Waking up in this place all alone. जो भी ओल्ड व्यूअर्स हैं वो तो जानते ही हैं, लेकिन जो न्यू व्यूअर्स हैं उनके लिए बता देती हूँ, जब भी मैं आती हूँ ना यहाँ पर अपने मायके वडोदरा, तो मैं ना इन्हीं के पास आती हूँ आंखें बंद करके कि बस मुझे इन्हीं के पास कटिंग करवानी है। बाकी सारे सैलून में क्या होता है ना, बाकी सारे पार्लर में बहुत ज़्यादा हेयर कट कर देते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, इनको जितनी बोलो आप उतनी करते हैं, लेंथ भी आपके बालों की रहती है, काफ़ी अच्छी कटिंग हो जाती है। तो ये है मेरे बालों का फाइनली लुक जो कि इन्होंने अभी हीट कॉम्बिंग करके दिया है। और आप लोग बताइएगा कैसा लगा मेरा न्यू लुक बालों का, होप यू आपको पसंद आया हो, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई इनकी कटिंग। और यहाँ पर ये देखिए मैंने बालों को ऐसे बनाना पिन में साइड कर लिया, ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ पर ये जो मैंने फ्रिंक्स करवाए ना, ये भी बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं। तो वहाँ से आने के बाद, सैलून के आने के बाद, फिर हम लोग चले गए थे थोड़ा सा शॉपिंग करने के लिए, उसके बाद घर आके बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, तो मैंने सोचा ब्लॉग को एंड तो कर ही देती हूँ। ओके, सो मैं यहाँ पर करती हूँ ब्लॉग को एंड। होप यू आपको मेरा ये न्यू लुक पसंद आया हो, पसंद आए तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग आने वाले हैं, सो प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहिएगा, अभी से मैं आपको बोल देती हूँ। ओके, सो मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइज।